बिहार में महागठबंधन सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, लेकिन स्पीकर कौन है, स्पीकर की क्या स्थिति है, इस बारे में हम बात करेंगे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी जी से, जो जेडीयू के नेता हैं। आप स्पीकर रह चुके हैं, 5 साल आपने बखूबी चलाया है, एक तरफ तेजस्वी यादव भी थे जब सरकार में तब भी, और फिर जब बीजेपी के साथ आ गए तब भी। स्पीकर को नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कहा गया है, अविश्वास प्रस्ताव के लिए आप लोग की तरफ से लाया गया है, अगर वो इस्तीफा नहीं करते हैं तो क्या क्या परिस्थितियां बन सकती हैं? नहीं, पहली चीज तो ये है कि अमूमन ऐसा देखा गया है कि जैसे ही सरकार बदलती है तो आम तौर पर विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि स्पीकर हमेशा सत्ता पक्ष या सत्ता में जो गठबंधन होता है उसी के होते हैं, इसलिए कि स्पीकर भी बहुमत से चुना जाता है। तो जब तक बहुमत नहीं हो तो सरकार नहीं बनती है, और अगर बहुमत है तो फिर सरकार विपक्षी पार्टी का नहीं रह सकता है। अभी की जो स्थिति है, अभी भी हालांकि सामान्य परंपरा में या सब लोग मानते हैं, कई लोगों का हमने देखा भी है कि सामान्य परंपरा के हिसाब से अगर इस विधानसभा अध्यक्ष पद का त्याग कर देते तो ये बेहतर होता, क्योंकि अभी जो सूचना है उस हिसाब से उनको अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का नोटिस ये करीब 50-60 विधायकों ने दे रखा है विधानसभा सचिवालय को, और ये सामान्य परंपरा है और नियमों के तहत भी अगर विधानसभा को अध्यक्ष को हटाने का कोई प्रस्ताव विधानसभा के विचाराधीन होता है, जो अभी है, क्योंकि उसमें नियम है कि जिस दिन विधानसभा सचिवालय को दिया जाता है उसके 14 दिनों के बाद उस पर विमर्श होता है, तो 14 दिन पूरे हो रहे हैं, और नियमानुसार भी और परंपरा के हिसाब से भी 24 तारीख को सदन जब बैठेगा तो सबसे पहले स्पीकर को हटाने वाले प्रस्ताव पर विमर्श करेगा। ये समय में चेयर कौन करेगा, विधानसभा के अध्यक्ष के कुर्सी पर कौन बैठेगा? ये भी नियम है कि अगर स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पर अगर सदन विमर्श कर रहा है तो उस समय वो अध्यक्ष जिनको हटाने का प्रस्ताव है वो उस कुर्सी पर नहीं रहेंगे। और अपने यहाँ अभी बिहार में तो चूंकि उपाध्यक्ष भी कार्यरत हैं या उपाध्यक्ष भी काम कर रहे हैं तो ये स्वाभाविक रूप से उपाध्यक्ष उस समय सदन की अध्यक्षता करेंगे जब उनके हटाने का प्रस्ताव सदन के विमर्शाधीन होगा। आपको नहीं लगता है कि अगर वो चेयर करें विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर भी तो स्पीकर को के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई, क्योंकि असमंजस वाली स्थिति हो जाएगी, कुर्सी को लेकर झगड़ा होगा, उपाध्यक्ष बैठेगा, तो ऐसे में क्या सचिव जो विधानसभा के होते हैं उनको कोई आदेश जारी करना होगा या उनकी तरफ से कोई पहल होगी? नहीं, वो तो आखिर नियम को लागू करना तो सचिव की ही जिम्मेदारी है, और हम लोग तो आश्वस्त हैं जो सचिव परामर्श देंगे और जो नियमतः जिनको अध्यक्षता करनी है वही करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये तो संवैधानिक व्यवस्था या परंपरा से बिल्कुल अलग चीज़ हो जाएगी ना, हमको नहीं बैठना है हम जाके बैठेंगे, ये तो नहीं होता है और मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए और होगा भी नहीं। तो क्या अगर वो नहीं हटते हैं तो फिर उस पर वोटिंग होगी, या फिर अगर नीचे भी बैठते हैं, अगर अध्यक्ष सीट पर नहीं बैठते हैं तो क्या पहले वोटिंग होगी या फिर उस प्रस्ताव पर कोई बहस होगी? नहीं, ये तो परंपरा के हिसाब से पहले उनको हटाने कि जो नोटिस है या अध्यक्ष को हटाने का जो प्रस्ताव है उस पर सदन विमर्श करेगा। विमर्श करेगा या फिर उस पर बहस होगी, क्या उनको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का?
सदन में विमर्श का मतलब ही होता है कि जिनको जो कहना है कहेंगे और अंत में मतदान होगा, विमर्श का मतलब ही यही होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ये चाहती है कि अविश्वास प्रस्ताव के बहाने सदन में चर्चा हो, बहस हो और उसके बाद फिर वो वोटिंग के पहले इस्तीफा दे? कई बार ऐसा हुआ है कि जो नेता को, अगर सदन के नेता को अगर बहुमत नहीं होता है तो प्रस्ताव के बाद वो इस्तीफा देते। नहीं, अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन फिर तो सदन में जो प्रिजाइड करते हैं, सदन की जो अध्यक्षता करेंगे उस वक्त, ये सब कुछ उन पर निर्भर करता है। जो कितने देर का विमर्श होगा, कितना देर विपक्ष को मिलेगा, कितना देर सरकार को मिलेगा, और अगर विमर्श में वो कुछ कहना चाहेंगे तो सरकार भी उस पर रेस्पॉन्ड करने के लिए बाध्य होगी, सरकार भी अपनी बात रखेगी ना, ये तो सीधी बात है। वो तो दिलचस्प होगा, देखना होगा अगर ऐसी स्थिति बनती। इस्तीफा तक तो नहीं दे रहा है वो। इस बार विधानसभा अध्यक्ष किसका होगा, जेडीयू का होगा या आरजेडी का? नहीं, ये तो जो लोगों ने तय किया होगा, नेताओं ने तय किया होगा, उसकी अभी घोषणा नहीं हुई है। हमारे ख्याल से आज से कल तक, कल से परसों तक हो जाएगी। कहा जा रहा है कि आरजेडी को मिलेगा, ये हमें सूचना नहीं है, कयास तो तरह तरह के लगाए ही जाते हैं। अगर जेडीयू के पास नहीं होता है तो क्या लगता है कि जेडीयू कमज़ोर होगी महागठबंधन में? क्योंकि पिछले दफ़े बीजेपी को जेडीयू ने दे दिया था और विजय सिन्हा बने थे, तकरार देखने को मिला था मुख्यमंत्री और विजय सिन्हा के बीच में, तो ऐसी स्थिति फिर पैदा हो सकती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जेडीयू कमज़ोर होगा, और सबसे बड़ी बात होती है कि कौन उस पद पर बैठता है, उसकी समझदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसलिए राजद का बैठे, कांग्रेस का बैठे, माले का बैठे, जदयू का बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गठबंधन के पास ऐसा प्रबल बहुमत है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, जो उस पद पर बैठेंगे निश्चित रूप से उनमें इतनी सलाहियत होगी कि किसी दल को कमज़ोर करने की कोई स्थिति नहीं बनने देंगे। पर विजय सिन्हा के साथ जो देखने को मिला, अब तो आप गठबंधन से अलग हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि उन्होंने सही किया था जो मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह से बहस हुई थी, जिस तरह से वो सरकार के कामकाजों में अपनी भागीदारी देख रहे थे या फिर चलाने की कोशिश कर रहे थे? आपके सवाल पूछने के तरीके से ही स्पष्ट है कि उन्होंने जो काम जिस ढंग से किया उस पर आप प्रश्न चिन्ह आपके मन में है, तो ये क्या इशारा करता है? आप कह रहे हैं कि जो उनके तौर तरीके थे, तो ये तो लगता है कि आपके मन में भी कुछ संशय घूम रहा है। संशय को स्पष्ट कर दे। ये तो बिल्कुल अपने आप में इशारा है, और जब आप इस बात से, मतलब आपके दिल में ऐसी बात लग रही है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ सच्चाई होगी। ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और जो गहमा गहमी, जिस तरह से गर्मा गर्मी हो रही थी, क्या आपको लगता है कि सदन की गरिमा को चोट पहुंची थी? देखिए, सदन की गरिमा को चोट की बात नहीं होती है, वही हमने कहा कि कौन कुछ किस कुर्सी पे बैठा है उसकी समझदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। या अगर ये नहीं रहते हैं, दूसरे जो भी आएंगे, सारी चीज़ें उनके समझदारी पर निर्भर करती हैं। उस दिन सदन में जो कुछ हुआ, ये बात सही है कि मुख्यमंत्री जी ने कुछ बातें रखी, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कही जो नियम संगत नहीं था, या विधानसभा के की जो नियम प्रक्रिया या कार्य संचालन नियमावली है उसके अधीन नहीं था। अध्यक्ष जी जैसा कह रहे थे या जैसा कर रहे थे, वो नियम संगत नहीं था। मुख्यमंत्री ने सिर्फ संवैधानिक और विधानसभा की जो नियमावली है, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, वो उसके अधीन कह रहे थे। जैसी चीज़ों में अध्यक्ष के द्वारा अनावश्यक अवांछनीय हस्तक्षेप, ये उचित नहीं है, यही मुख्यमंत्री जी कह रहे थे। क्या लगता है कि आपको कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी टूट के पीछे,
जो आपके और गठबंधन, क्योंकि गठबंधन धर्म का जो पालन होना चाहिए वो अध्यक्ष की कुर्सी से भी नहीं हो रहा था, वो दिख रहा था। नहीं, ये तो एक मतलब बहुत ही छोटी बात थी, बाकी तो चीज़ें पार्टी की तरफ से और मुख्यमंत्री जी के भी तरफ से कही हैं गई हैं कि गठबंधन दोनों दलों के बीच जो आपसी समझदारी थी उसी में फर्क आ रहा था। जब चुनाव हुआ पिछला, उसी वक्त से जो स्थिति बनी थी या जो जिस ढंग से जदयू के साथ जो बर्ताव हो रहा था उसके कारण संशय और एक तरह से मन में शिकायत का भाव बन रहा था, और धीरे धीरे जब महसूस हुआ कि नहीं, ये एक सुनियोजित कार्यक्रम के तहत जदयू को नीचा करने की साजिश चल रही है, तो लोग अलग हो। इसी में मेरा यही सवाल था कि छोटा ही सही, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये भी एक वजह बनी कि आपके मुख्यमंत्री को छोटा करने की, छोटा दिखाने की विधानसभा के अंदर में कोशिश हुई कि आप तीसरे नंबर की पार्टी हैं? नहीं, ये हम नहीं मानते हैं कि ये सिर्फ एक तल्खी का कारण हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष मुख्यमंत्री को क्या नीचा दिखा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। आने वाले समय में आप जो गठबंधन है उसका कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा? क्या जो बीजेपी के पाले में, बीजेपी के खाते में जितनी मंत्री, जितने मंत्रालय हैं, जितने मंत्री हैं, वो क्या महागठबंधन में चले जाएंगे और आपके जितने भी रहेंगे वो आपके अभी जितने भी हैं वो रह जाएंगे? अभी तो क्या तय हुआ है ये तो कल के बाद स्पष्ट होगा, जब दोनों या क्या दो, अब तो 5 दल के नेता बैठ के तय करेंगे। ये भी सब लोग जान चुके हैं कि तीनों लेफ्ट पार्टी जो हैं, माले, सीपीआई, सीपीएम, उन लोगों ने फैसला कर लिया है कि हम लोग मंत्रिमंडल में नहीं जाएंगे। तो अब 3 पार्टियां बच गई, कांग्रेस है, राजद है, जदयू है। तो सामान्य रूप से जो महसूस किया जा रहा है या जो लगता है कि जो पुराने मतलब संख्या थी लगभग उसी रूप में होना चाहिए। वैसे क्या होगा, क्या कितनी संख्या होगी, कितना किस दल का होगा, अब जैसे कितने कांग्रेस के होंगे, कितने राजद के होंगे, कितने जदयू के होंगे, ये तो हमको लगता है जो कल बैठ के, आज से कल तक लोग बैठ के फाइनल कर लेंगे। 16 तारीख को क्या शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है? उम्मीद तो अभी यही जताया जा रहा है। आप भी शपथ ले रहे हैं? ये हमें मालूम नहीं। लोग 2015 में, आखिरी सवाल है, 2015 में जब सरकार बनी थी तो उस वक्त नीतीश कुमार को ये लगने लगा था 1-2 महीने के अंदर में ही कि ये ज़्यादा दिन सरकार नहीं चलेगी, और हुआ भी वही। 2017 में आप लोग आ गए, फिर 2020 में आपकी सरकार बनी, फिर शुरू से ही लगने लगा था, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, कि कुछ ठीक नहीं चल रहा था शुरू से ही। तो ये जो महागठबंधन की सरकार बनी है, इसका डेडलाइन क्या देते हैं आप, कितने दिनों तक चलेगी ये जो महागठबंधन की सरकार बनी है? और जैसा कि हमने कहा कि पिछले दिनों जो सरकारें थी और जो शुरू में ही महसूस हो जाता था, ये प्रसन्नता की बात है कि सरकार बने 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वैसा कोई महसूस नहीं हुआ। कोई आशंका, किसी तरह की शंका कि आगे जो लालू यादव के परिवार या उन लोगों की तरफ से, उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से जिस तरह का आरोप लगता था जंगल राज का? जी, हम समझते हैं कि जो पिछला अनुभव रहा है उसके आधार पर वो लोग भी जरूर सोचेंगे कि जो चाहे गठबंधन से संबंधित हो या जो पब्लिक परसेप्शन में जिन चीज़ों के कारण परेशानी आती है वो भी जरूर इतना महसूस किए होंगे, और उस चीज़ की पुनरावृत्ति की कोई संभावना नहीं दिखती। पुरानी गलतियों से सभी ने सबक सीख लिया? सभी सीखते हैं, कोई उसमें अपवाद थोड़े होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पे, पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है? हमें तो ऐसा कभी नहीं लगा है,
मुख्यमंत्री जी तो अभी अपना मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं 4 दिन पहले, अभी तो यहाँ मंत्रिमंडल भी विस्तार नहीं कर पाए हैं, तो प्रधानमंत्री पद पे कैसे, कहाँ से आ गया जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो गए? और ये तो भविष्य बताएगा, भविष्य में राजनीति की दिशा क्या होगी उसके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, कुछ भी कहना। ये सर हमारे साथ विजय चौधरी जी, बहुत सारी बातों की तरफ इशारों में कहा तो कुछ बातें साफ भी कर दी, आपने सुना। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, ABP News, पटना।